मतलब छत खुल गई अब तीस से नीचे चलेगी ना ना, अब तो कितने बजे चलेगी जब तक खुला है और बंद ना हो जाए। अच्छा, तीस से नीचे। हिंट खाओ जब बिग बॉस में, हमें मत बोल ये चीजें। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ बहुत स्ट्रेस है यार मम्मा, जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी मम्मी मेरा स्ट्रेस ठीक ही नहीं करती। दे भाई सामान दे, मैं तो पीयूष गोयल के घर पर रहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आऊँगा नहीं मैं उसके घर, उसके कह दूँ गोद ले लो मेरे को मंत्री जी। है मेरे पे रुमाल मम्मा, कमी पड़ रही है। हाँ रुमाल कहाँ है? मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। रुमाल? अरे रुमाल मेरी पिछली जेब में यार मम्मा, निकल लिया। ठीक है मोटे किस्से तो करते जाते आते, तू तो कहते कोई ना खड़ा बाहर। आवाज आई मुझे बाहर की। ओह माय गॉड, धूप, आज ही सारी धूप है गाइस। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, अलग है। आज हम जा रहे हैं पीयूष गोयल जी से मिलने। जिसको नहीं पता पीयूष गोयल कौन है, मिनिस्टर ऑफ, मतलब अपने कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कौन सा, टेक्सटाइल्स एंड कॉमर्स ऐसे करके कुछ है, मेरे को पूरा नहीं पता। दाढ़ी मूछ सेट करवाने का मैं सोच रहा, दाढ़ी मूछ सेट करवा के बाल बुल कटवा के जाऊँ, बट टाइम नहीं मिला मेरे को, मैं लेट हो गया। अब एक बार धीरज भाई को फ़ोन करके डायरेक्ट मैं दिल्ली पहुँच रहे हो आपको पिक करूँ, और मैं जाऊँगा पोर्श में। फॉर्चुनर मेरी, फॉर्चुनर कहाँ? अच्छा फॉर्चुनर तो वहाँ खड़ी है, सीक्रेट जगह, पता हो गया आधे लोगों को कहाँ खड़ी है। तो मैं सोच रहा था पहले फॉर्चुनर, बट नहीं है पोर्श है ना, तो लेट हो रहा हूँ। पोर्श में ही जाएंगे मंत्री जी के पास, देखी जाएगी। हर्ष बेनीवाल भाई भी है हमारे उधर ना, तो इकट्ठे मिल रहे हैं हम सारे। तो चलो भाई, गाड़ी में बैठा होता तुम्हारा भाई ऐसा लग रहा। पर मैंने आज एक चीज़ नोटिस करी यार, कि दिल्ली अपनी गाड़ी पहली बार जा रही है यार। मतलब जहाँ है अपने मिनिस्टर साहब, दिल्ली है, तो दिल्ली तो गई नहीं अपनी गाड़ी, गुड़गांव में हांडी है, और गई है तो सीधा जयपुर गई है। ये भाई यार आ गए हमारे यहाँ ना, इधर से गुजरेंगे अभी ये। अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। ये भी स्क्रिप्टेड कर रहे हैं हम सब कुछ, पता है तुम्हें, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। इनको मैंने 500 रुपये दिए थे, मैंने कहा तुम आ जाना ताकि ऐसा लगना चैल भी इसकी फैन फॉलोइंग मोटी है। चलो जी, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाएंगे आज इसको, अपनी घोड़ी को। गोल्फ कोर्स रोड पर आ गया, अपने फेवरेट पर दिखा उनका, मस्त मजा आएगा। अंडर पास आन दो एक बार, अंडर पास आन दो फिर। आइए शाबाश घोड़ो। आगे हर्ष बेनीवाल भाई अपना, और अपने मैनेजर साहब हैं, वो मिलेंगे मेरे को एम्बियंस वाले टोल पे। भाई मुझे लगा वो एमजी की छुट्टी गाड़ी, तो साड़ी बीएमडब्ल्यू निकली। अरे दिल्ली देख लो भाई, दिल्ली देखी? वाह दिल्ली पहली बारी देख, बेइज्जती करवा रही दिल्ली यार इसकी, है ना। बड़ा बढ़िया चल रही थी ये तो, बढ़िया गाड़ी लगी। पर यार छोटी सी साड़ी महंगी होगी, पर कितने की, पर कमेंट करके बता देना भाई। इलेक्ट्रिक है, महंगी होगी वो मेरे हिसाब से, होगी 40 लाख रुपये प्लस शायद, या फिर 35-40 के बीच की होनी चाहिए बीएमडब्ल्यू के हिसाब से बोलूँ तो। बाकी दिल्ली ने अच्छा स्वागत करा पोर्श का ना, काफ़ी अच्छा लगा देगा। अभी खुला है जामा का, ये नंबर भी अच्छा है यार छोटे वाले ना। अपने पास भी पर राजस्थान में आर से स्टार्ट है वो, जिसको पता कमेंट कर दो। यस, आपने फर्स्ट मौका छोड़ दिया था, सेकंड मौका है ये, एंड दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मैंने कौन सा छोड़ दिया मौका? 7 जनवरी मौके छोड़ दिया मैंने, तुमने बुलाया नहीं होगा। मैं बुलाया था, तो फिर मैं कहीं बाहर हूँ। हाँ तुम भी बिजी थे। तो दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये अभी बनी है क्या? हाँ, एक साल ही हो गया इसके साथ साथ। ओह माय गॉड, सेंट्रल विस्टा है ये, सेंट्रल विस्टा की फर्स्ट बिल्डिंग है ये प्रोजेक्ट की। हेलो भाई, नाम भी लिख रहा तुम्हारे भाई का, इधर भी है ना बहुत तरह तड़की। ये माइक है लगा, मेरा माइक है, ये भाई यार का माइक, ये पूरी भीड़ जम रही है, वो बैठा गया। राम राम जी, क्या हाल है भाई आपके? ठीक हो? आपको तो मालूम भी होगा ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी सर। यू मे रिमेंबर DGSND, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। उसका सिस्टम क्या था कि वो बड़े बड़े लोग बैठ गए गाड़ी में। भाई ठोक मत देना इसे, ठोक मत दियो भाई। वो बादशाह वाली गाड़ी फील आ रही है, बादशाह की गाड़ी नहीं थी। छत तो खोल इसकी, छत भी खोल देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें झटका मार दे पिक ना, कुछ ना झटका मार। राइट राइट चलना, राइट राइट चलना। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है इसमें बैठ के तुम्हारे साथ यार। क्यों भाई? पता नहीं आज डर लग रहा, पहली बार। डर तो मेरे को भी लग रहा है। यो थोड़ी पिकअप में साड़ी वैसी समझ रहा। हां तुम्हें रेस पे पैर नहीं रख रहा? हां रेस आराम आराम से दबाओ। इसका एग्जिट देखो, साड़े का कहां है? अब ऊंची खूब है वो भाई। है तो सेक्सी गाड़ी है, खोलिए इसकी छत तो खोल। धीरे धीरे चलाना, धीरे धीरे, ठीक है। 30 से नीचे रखना ऐसे भाई, से नीचे पे मतलब मतलब छत खुल गई,
अब 30 से नीचे चलेगी ना ना, अब तो कितने बजे चलेगी जब तक खुला है और बंद ना हो जाए। अच्छा 30 से नीचे। यस लगो। तू आया तो ऐसे ही होगा छत खोल के? नहीं गुड़गांव में है? मैं तो ब्रेक रोक काफी चला साथ में लेके रेड रेड लाइट पे खोलूं मैं। किस तरफ से निकलना है? ओहो इतनी मुश्किल से चल गया। ये कर दूं मैं जरा। ये क्या? ये जब तेल बचा ना गाड़ी भाई, इसमें तेल। अच्छा ये भी है भाई, कैमरा भी है यार। वैसे ही पूरी बादशाह वाली गाड़ी वाली फील आ रही है, उसमें नहीं होता बटन इधर उधर करके खोल देता कुछ भी कर। इसी में लेके चलूं घर भाई, ले आऊंगा दूसरी गाड़ी। अरे अमित भी साथ है ना, वो रुक जाएगा कि उसको मैं ले आया। ओ माय गॉड, फिर तो रुसवाना नहीं है भाई कोई। एक काम कर धीरज को दे दे, तू मेरे साथ एक्टर में चल। ये धीरज भाई को ये दे दूं, थोड़ी आगे चलेंगे, थोड़ी आगे तक निकलते हैं। ठीक है चलो 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 चलो, छत खोल के चलेंगे। हां ले, एसी तो बंद कर दूं फिर इसका, तेल बचाने वाला आदमी हूं ना मैं। ओके भैया अभी आ रहा हूं, घूम के यहीं पे घूम रहा हूं। भाई तुमने एक चेंज देखा होगा कि मैं तो मोटा हो गया, हमारे भाई साहब पतले हो गए, और अभी भी वहाँ पे कुछ खा के ना आया। कह रहा डाइटिंग का खाऊंगा, डाइटिंग का। भाई क्या खाओगे भाई तुम इस टाइम? अंडे 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 और रोटी सब्जी, तीन ब्रेड उसके साथ मल्टीग्रेन। और रोटी सब्जी? रोटी सब्जी रात को तो खाओ तो रोटी सब्जी। ऐसा नहीं सब खाता हूँ भाई, मैं तो वो भी खाता हूँ बट गिन के खाता हूँ सब कुछ, गिन के कैलोरी। चावल भी खाऊंगा, हाँ चावल भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, तो वो गिन की होगी कि भाई 15 ग्राम आटे की खानी है या 13-60 ग्राम चावल खाने है, वो गिन। भाई तुम्हारा गुरु कौन है जो सारा ये सब बता रहा? भाई उस फर्क आ रहा है, पर भाई फर्क तो आ रहा है, एप्स वेप्स निकाल लिया ना तुमने, फर्क आ रहा भाई, बहुत फर्क आ गया। पहले तो देखा मैंने टर्की में, टर्की में देखा था मैंने, मेरे अंदर फर्क आया था कितना मोटा होगा मैं, पता कितने किलो का होगा मैं, गैस करो कंधे कुंधे जाम हो गए थे जब मेरे, और तूने बीच में जिम भी स्टार्ट किया था एक बारी, और सही हो गया था उसमें। इंस्टाग्राम पे रोज डालता था वो बैक की वीडियो, बैक की डालता था, बैक की बन रही थी ना भाई, क्या करें। जिम भाई कहाँ जा रहे हो? जिम भाई लोकेशन देख रहे हो कहाँ की आ गई है, पोर्स में पहाड़ों पा गए गाइस। मैं मनाली निकल आया यार गलती से ना, वो एक्चुअली क्या है गुड़गांव से बोर हो गया था, अरे अरे बहुत तेज आ रही है जो भी है, तू देख रहे हो साढ़े चलानी वलानी आवे ना लेके चल रहे हैं बस, कोई ना चलो ले भाई पहाड़ पूड़ आ गया बढ़िया। लेपर ट्रेल है जिसको नहीं, दिस इज गुड़गांव लेपर ट्रेल। अपने भाई यार बैठे सारे वहाँ कटारे वगैरह, वहाँ जा रहा हूँ एक बारी उनसे मिलकर करेंगे बातचीत। भाई भाई चुगलियां कर रहे हैं वो इस तो। भाई अपने भाई आ रखे काफी पुराने यार मेरे, एक एक महीने पुराने। मैं कह रहा हूँ आज क्यों आए भाई, इधर कुछ था क्या? भाई तुमसे मिलने यार। भाई इतने दिन से तो नहीं आए तुम मेरे से मिलने, आज तो कुछ होगा फिर। तो ये तो हर बार फुटेज मारने की कोशिश कर रहा है ना? नहीं हाँ यहाँ पे दो का फ्रेम चल रहा, तीन का बना दिया साढ़े ने, पता लग रही मुझे तेरी सारी हरकतें साढ़े। भाई मैं बिग बॉस में हूं ना, जो फुटेज खाऊंगा। हिंट खाओ जब बिग बॉस में, हमें मत बोल ये चीजें। भाई बिग बॉस क्यों कर रहा है यार जिस चीज में हमें कोई लेना देना नहीं, जाना आना नहीं, उसका नाम क्यों लेता आया? क्या बता भाई, टाइम टाइम की बात। चलो बाहर चलो, मैं करवा आज तो मिल आया मैं, ऐसे इवेंट था वैसे मौज ना आई, हमें लेके जाओगे तो मौज आएगी कहां तक ना। वैसे तो सारे भाई थे अपने बेनीवाल सारे थे भाई, भाई ने छोड़ने जा रहा हूं हैं। मीटिंग कैसे रही? मीटिंग तो क्या ही थी, ठीक थी। सीखने को हाँ इंग्लिश इंग्लिश सीखने को मिली मेरे को। भाई बहुत गर्मी हो रही है आजकल, नहीं सारा भबका है। अरे कल सुनो, कल मेरे फेयरवेल पे चलो। कहाँ है तेरा फेयरवेल? हयात में चलो चलो चलो, काउंटी पार्टी हो रही होगी काउंटी। तुम सारे 500-500 इकट्ठा रुपए करके पार्टी कर जी, एक रुपया ना लिया कॉलेज वालों ने, हमारे में तो रुपया ले हुए थे, तुम्हारे में भी ले हुए थे रुपया, हमारे में ना लेना एक रुपया भी। मैं 11th में था जब 12th तक फेयरवेल देकर ना, तो मैं भाई अपने गांव में तो बुलेट मांग के लेगा उल्टे गियर वाली भाई, वो किसी तरह सीखी मैंने चलाई, उसमें ना पता ना लगा बुलेट में तेल खत्म होगा, मेरा हुड्डा सिटी सेंटर पे तेल खत्म होगा, मैं तो पैदल लाया इतनी पैदल हाँ इतनी बेइज्जती हुई मेरी 11th क्लास की बात है, देख लो बुलेट हुड़काए उड़काए धीरे धीरे चला चलो के किसी तरह लिफ्ट मांग के जो पैर लगा देकर पीछे वो मांग, उसमें वो तो होता होगा रिजर्व। अरे सब चीज खत्म हो जाए पता, साड़ी पुरानी वाली ना पर कौन 1980-85 की थी वो। उसके बाद फिर जब मैं 12th में था तब मैं लेके गया, तब तो मैं लेके गया था स्टनर नहीं i20 पुराने मॉडल, ये अपनी घोड़ी खड़ी, ये भाई ये तो प्लास्टिक खड़ा, और छोटा लगा दिया 100 रुपये लेके आया। ओके भाई साहब सी यू मैन, मिलते रहना ना भाई, जान रहा था। नहीं नहीं किसी को नहीं करोगे अब भाई, बंदे किस्तियाँ कर रहे हैं यार। अरे भाई क्या बात हो रही है, चील चील जैसे मुँह के भाई साहब, क्या बात गाँव के मन्ना बोल। सुनो छोटे भाई को पोस्ट दे दो कल,
अरे तूने तो पता ही तेरे घर की गाड़ी है यार। हां तो कहां है वो घर की गाड़ी? जाके भाई पैसा चाहिए, पैसा दो। अपना उल्टे वाली है भाई, आंख लग गई थी माँ कसम, डांटी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।